नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज मैं आपको कबूतरों में प्रयोग होने वाली कुछ दवाइयों के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। आप देख रहे हैं कि मेरे सामने कुछ मेडिसिंस है। हर मेडिसिंस का कहाँ यूज़ होता है, उसको किस बीमारी में हम यूज़ करते हैं, एक एक करके इन सभी दवाइयों को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अपने पेट्स जैसे पक्षी, कबूतर या कछुओं के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यदि आप देखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। आपने अक्सर मेरी वीडियोज़ में देखा होगा कि मैं जब भी कोई पॉक्स का पिजन्स होता है, पॉक्स के पिजन्स में मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि पानी के अंदर एक कटोरी पानी लेकर के आप उसमें बोरिक एसिड डालिए। अब बोरिक एसिड क्या होता है? ये जो है बोरिक एसिड होता है। ये बोरिक एसिड क्या करता है, जब आप एक कटोरी में एक कटोरी पानी लेकर के उसमें बोरिक एसिड डाल करके और इस तरीके से कॉटन के स्वैब बना करके बोरिक एसिड पानी में इस तरह से आप उसके कॉटन के स्वैब बना लीजिए पानी के अंदर, इसको डिप कर करके। अभी बोरिक एसिड आप कॉटन पे अच्छे से लगा करके इससे आप अपने बर्ड्स की जो है आंखों की क्लीनिंग कर सकते हैं। यानी ये स्पेशली जिन पिजन्स में आईज़ का इन्फेक्शन होता है, यदि आप उनकी क्लीनिंग बोरिक एसिड के इस पानी से करेंगे तो आपके कबूतरों को काफ़ी से रिलीफ होगा। और जितने भी पॉक्स के चेचक के जो लीजन्स होते हैं उनको बोरिक एसिड से क्लीन करने से उसको काफ़ी रिलीफ होता है। ये हो गया बोरिक एसिड का काम। अब दूसरा आ गया, यदि आपका बर्ड्स खाना नहीं खा रहा है, तो खाना नहीं खा रहा है, उसको भूख नहीं लग रही है, उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? देखिए, कबूतर जब भी खाना नहीं खाता है तो हम उसको लीवर को बूस्टअप करने के लिए हम उसको लीवर प्रिपरेशन देते हैं। और लीवर प्रिपरेशन जो बर्ड्स में, कबूतरों में सबसे ज़्यादा काम करता है वो है प्रोटोन सिरप। यदि आपका कबूतर खाना नहीं खा रहा, उसको भूख नहीं लग रही है, या अचानक से खाना कम कर दिया है, या उसकी खुराक पहले से कम हो गई, आप अपने कबूतरों को इसको 5 ml दवाई 1 लीटर पानी में आप मिला करके दे दीजिए। आपके कबूतर जो है, जो खाना जिन्होंने धीरे धीरे कम कर दिया, तो ऑटोमेटिक इसको देने से उनकी भूख पहले की तरह तेज हो जाएगी और आपका कबूतर खाना खाना शुरू कर देगा। आपने अक्सर मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैं हमेशा जिक्र करता हूँ कि आप अपने पक्षियों को पेट के कीड़ों की दवाई ज़रूर दीजिए। पेट के कीड़ों की दवाई के लिए हमारे पास जो मेडिसिन अवेलेबल होती है वो होता है एल्वोमर सिरप। ये दवाई इजीली हर मेडिकल स्टोर पे, वेटनरी केमिस्ट शॉप पे इजीली अवेलेबल होती है। पक्षियों में यूज़ करते हैं और कबूतरों में इसका बहुत बड़ा योगदान है पेट के कीड़ों के लिए। आप जो इसकी डोज रखनी है 5 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से आप इसको दीजिए। जब भी कबूतरों को पेट के कीड़ों की दवाई देनी है, इसको देने का तरीका होता है, एक तो आपके कबूतर उस टाइम खाली पेट होने चाहिए, यानी सुबह मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले खाली पेट पीने के पानी में अपने बर्ड्स को दीजिए। जब भी आपने इस मेडिसिन को देना है, आपके कबूतर एक तो खाली पेट होने चाहिए, इसको सुबह मॉर्निंग के पानी में देना चाहिए। 3 दिन से ज़्यादा इस मेडिसिन को नहीं देना है। 3 दिन दे करके आपने इसको बंद कर देना है। जब भी आपने कबूतरों को पेट के कीड़ों की दवाई रिपीट करनी है, आप एक टाइम टेबल इसका एक डायरी में इसका टाइम नोटिस कर लीजिए। इसको रिपीट करने के लिए 3 महीने बाद इसको रिपीट करना होता है, उससे पहले इसको रिपीट नहीं करना होता है। मैं अपनी वीडियोस में हमेशा जिक्र करता हूँ कि बर्ड्स का, जैसे जब भी मौसम में बदलाव होता है, बर्ड्स की इम्यूनिटी डाउन जाती है, उनकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, डिजीज से फाइट मजबूत करने के लिए कि वो अपनी बीमारी से लड़ सके, उनकी इम्यूनिटी बूस्टअप हो सके, उसके लिए ये सेल्पेट फॉर बर्ड्स करके एक मेडिसिन आती है। देखिए कि इम्यूनिटी बूस्टर्स है, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है काफ़ी बारीक मात्रा में, जो कि हम उसको भोजन के अंदर नहीं दे सकते, वो पानी के माध्यम से यदि हम अपने बर्ड्स को देते हैं तो हमारे बर्ड्स की इम्यूनिटी ऑटोमेटिक अपने आप स्ट्रांग होती है। इस प्रकार जब बर्ड्स की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, उसको हम एंटीबायोटिक के साथ भी दे सकते हैं और अकेले जो है पानी के अंदर भी दे सकते हैं। जब आपका पक्षी इसको पिएगा तो उसकी इम्यूनिटी जब बूस्टअप होगी, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा, और जो मेडिसिन आप दे रहे हो उसके पीने के पानी में, उसकी एफिकेसी को भी बढ़ाएगा और इससे आपके बर्ड्स को काफ़ी रिलीफ होगा। बर्ड्स के अंदर विटामिन ए, अक्सर जब बर्ड्स में आपने देखा होगा, बर्ड्स की आईज़ में धुंधलापन आ जाता है, उसकी आँखों को दिखना कम हो जाता है, या बर्ड्स के पंखों की शाइनिंग कम हो जाती है, उस कंडीशंस में हम जो है बर्ड्स को विटामिन ए का सिरप देते हैं। और विटामिन ए के सिरप के लिए मैंने हमेशा आपको जिक्र किया है कि हम जो है बर्ड्स को जो है
विटामिन ए का सिरप दे सकते हैं, विमरॉल सिरप दे सकते हैं, उसमें विटामिन ए सबसे ज़्यादा होता है, उसको पीने के पानी में दे दीजिए। या इंडिविजुअली बर्ड्स को आप 5 से 10 ड्रॉप पर डे आप दे सकते हैं, उसके जो विटामिन ए की कमी होती है तो ऑटोमेटिक आपके बर्ड्स को ठीक हो जाती है। इस प्रकार आप अपने बर्ड्स को विटामिन ए दे करके उसकी आइज़ की प्रॉब्लम, उसके फैदर्स की प्रॉब्लम या स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है उसमें हीलिंग में ये विटामिन आपके काफ़ी हेल्प करते हैं। लकवे के अंदर मैंने अपना जिक्र किया है कि आप अपने बर्ड्स को विटामिन ई भी दे सकते हैं। अभी जो पीछे वीडियो बनाए थे उसमें बताया था विटामिन ई के लिए हमारे ई केयर एस करके एक ही आता है, ये एक लिक्विड प्रिपरेशन से जो कि विटामिन ई का सिरप होता है। ये आप पीने के पानी में 5 से 10 ml अपने बर्ड्स को दीजिए, इसमें विटामिन ई होता है और जो लकवे वाले कबूतर होते हैं जिनकी गर्दन टेढ़ी होती है उसमें ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। 5 से 10 ml 10 से 15 दिन लगातार बर्ड्स को दीजिए। यदि बर्ड्स पानी नहीं पीता है बर्ड्स को दवाई का पानी पिलाइए या इसको आप इंडिविजुअली ड्रॉपर की सहायता से आप अपने लकवे वाले कबूतर जिनकी गर्दन टेढ़ी है उनको 5वां ड्रॉप पर डे आप पिलाएंगे तो आपके जो कबूतरों की गर्दन टेढ़ी होगी इसको देने से ऑटोमेटिकली गर्दन ठीक हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने वीडियोस के अंदर जो मेडिसिंस का एक एक मेडिसिंस का आपको डिटेल्स में बताएं, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।